तकरीबन 11 साल पहले जब मैं स्ट्रीट पे आया तो आने की वजह कुछ यूं थी कि मैं घर पे रहता था और मैंने महसूस किया कि अक्सर मुझे बिला वजह या इस तरह की चीज़ों पे डांट पड़ती मार पड़ती है। पहली रात जब मैं स्ट्रीट पे आया तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। फिर मैंने खंभों से बैनर्स उतारे और चप्पल अपने सर के नीचे रख के वो बैनर ओढ़ के सो गया। आठ दस महीने तक तो मैं इसके पीछे ढूंढती रही, काम करती थी, लेकिन हर वक्त खोज रहता था मुझे कि कहीं तो मिलेगा किसी भी जगह। इतवार की छुट्टी होती थी, इतवार वाले दिन बेफालतू बेला मकसद सदर इधर उधर मैं घूमती थी कि कहीं ये बच्चा मिल जाए ना। ये नहीं मिला मुझे, मेरी जब तक जिंदगी है कभी तो मिलेंगे ना किसी भी मोड़ पे किसी भी जगह। शुरू में मेरा कोई दोस्त नहीं था। सलमान मुझे मिला वैसे ही जैसे मुझे और बच्चे मिले जो स्ट्रीट पे रहते थे। जब से हम जो रोड पे थे फिर वहाँ से यहाँ आए, क्या वर्ल्ड कप का पता चला? हमें तो नहीं पता था ना हम सेलेक्ट होंगे। फिर उस दिन क्या हुआ, तुम लोगों का सबका हो गया, मैं और रजब रह गए। हमें क्या टेंशन थी, रात दिन पासपोर्ट नहीं बना, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में और ये सारी चीज़ें। उस टाइम मुझे थोड़ा सा रोना आया, काफ़ी वो हो रहा था। तो सब कह रहे हैं कि तुम बेफॉर्म नहीं है, तुम जा नहीं पा रहे तो तुम इसलिए रो रहे हो। मेरे दिल में ये था कि मैं वहाँ जा नहीं पा रहा इसलिए क्योंकि मेरे पीछे मेरा कोई नाम नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। उस दिन का दिन है आज का दिन कि मैंने कभी भी फिर रोड पर जाने की या उस जिंदगी के बारे में कभी मैंने कुछ नहीं सोचा। This is it. We are in Rio de Janeiro and the Street Child World Cup is just about to start. नेशनल एंथम जब शुरू हुआ तो जिसम में एक सनसनाहट सी मची और जैसे रोंगटे खड़े होते हैं या बाल आप कह सकते हैं, तो इस तरीके से हुआ। तो उसके बाद फिर तो गोल पे गोल तो ऐसा लगा कि मकसद जैसे इंडिया के पांव बांध दिए गए और हम लोग खेल रहे, तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। इंडिया से जीतने के बाद हम केन्या से जीते, मॉरिशस से जीते, अमेरिका से 20 स्ट्रोक पे हम जीते और पाकिस्तान के लिए हम ब्रॉन्ज मेडल लाए। ऐसा होता है ना कि टीम तो जीत के आ गई, बस हो गया हर चीज़, हमें इनामात मिल गए या हमें बहुत पजीराई मिल गई तो बस ख़त्म करें। हमने ये नहीं किया, हमने आई एम समबडी कैंपेन के नाम से कैंपेन रखी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बच्चों से मिले, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हो या स्ट्रीट पे रहने वाले हों, इस तरह के बहुत से इदारों से मिले और उनको ये समझाया कि यू आर समबडी।
मैंने अपने इलाके में देखा है कि बहुत अच्छा खेलने वाले लड़के हैं, ऐसे बच्चों को मौके देने की कोशिश करूँगा। मैं बच्चों को फुटबॉल के साथ साथ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ शेल्टर के अंदर। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं दोबारा से एक बार फिर फुटबॉलर बनूँ।